हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है सोया चाप। चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, लेकिन इसको बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई वीडियोस देखने को मिले। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने फ्रोजन चाप ली है, इसको हम फ्रिज में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और देखिए ये कुछ इस तरीके की होती है। अब हम एक भिगोने में गर्म पानी कर लेंगे, जब उसमें उबाल आ जाए हम उसको बंद कर देंगे और इन चाप को हम इसमें डाल देंगे ताकि जो इनकी फ्रोजन की स्मेल है वो निकल जाए। इसको लगभग हमें एक मिनट के लिए ही डालना है। यहाँ पर हमारी गैस ऑफ है और एक मिनट के बाद हम इनको बस आराम से निकाल लेंगे ताकि जो इसमें स्मेल है वो चली जाए और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी चाप निकाल ली है। अब इन चाप में से हम इन आइसक्रीम स्टिक को इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए कितनी इजीली निकल गई है। इसी तरीके से हम निकाल देंगे और इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर हम आराम से निचोड़ लेंगे और इसको हम सारी को एक साइड में कर देंगे। अब हम इनको नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। थोड़े बड़े ही पीस रखे। इस तरीके से हम सारे जो हमारी सोया चाप है उनको हमने काट लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमें यहाँ पर इनको शैलो फ्राई करना है। इस तरीके से हम यहाँ पर इन सारी चाप को डालते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। लगातार चलाते रहें और जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस तरीके से इनको पलटते रहें और देखिए ये हल्के हल्के गोल्डन होने लगे हैं। इट मीन्स हमारे ये रेडी है। अब हम इनको इस पर से निकाल लेंगे। अब हम इनके लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कटोरी दही ली है और इसमें सरसों का तेल डाला है। ये बिना पका हुआ तेल है। इसके बाद नमक डाला है और यहाँ एक चम्मच में डालूंगी कश्मीरी देगी मिर्च। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ अपना तंदूरी मसाला एक चम्मच और चुटकी भर मैं यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ। और अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। दही हमारी हंग कर्ड थी, यानी दही में पानी नहीं था। अब हमने जो चाप अपने फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें मैरिनेट कर देंगे। इसको अच्छे से हम हाथों से और चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने मैरिनेशन तैयार करा है वो अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इनको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें अब्सॉर्ब कर ले। अब हम यहाँ पर चाप की ग्रेवी रेडी करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने तेल लिया है दो चम्मच और अब हम इसमें अपने डालेंगे 5 से 6 काली मिर्च। उसके बाद मैं यहाँ 2 इलायची डाल रही हूँ और 2 ही तेज पत्ता डाला है। जब मसालों में खुशबू आने लगे तब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए प्याज। यहाँ मैंने 6 से 7 प्याज लिए हैं। या आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से प्याज ले सकते हैं। यहाँ मैंने हरी मिर्च डाली है। उसके बाद मैं यहाँ 10 से 12 काजू डाल दूंगी। काजू से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। और हरे धनिए की डंठल डालती हूँ क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस रहती है या फिर अरोमा कहते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगती है। अब उसके बाद मैंने यहाँ 6 से 7 ही टमाटर डाल दिए हैं और इन सबको मिक्स करके मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। ज्यादा नमक ना डालें स्टार्टिंग में। और मिक्स करके हम इसको भूनते रहेंगे।
और देखिए ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम उनको पीस लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ दूसरा पैन रखा है, उसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल के। यहाँ मैंने सरसों का ही तेल यूज करा है। जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। उसके बाद हमने जो अपनी ग्रेवी, जो हमने प्याज टमाटर भुने थे उसको पीस लिया था, वो ग्रेवी हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे और ढककर पकाएंगे लगभग 6 से 7 मिनट बाद। ये देखिए अच्छे से पक रही है। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे रंग जो है बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए हमने ढककर फिर से पकने रख दिया था और 5 मिनट बाद देखिए कितना प्यारा रंग आया है। ये ओरिजिनल में बिल्कुल रेड हो चुकी है, यहाँ पर लाइट में दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लगातार हम चलाकर पकाते रहेंगे। जितना धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। और इसके बाद मैंने यहाँ सोया चाप मसाला डाला है। देखिए इस तरीके से आता है, ये बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल है। और इसमें मैं यहाँ पर 1/2 पैकेट डाल दूंगी और इन सब मसालों को मैं ग्रेवी के साथ मिक्स कर लूंगी। इसे हमें धीमी धीमी आंच पर ही पकाना है क्योंकि जब टमाटर पकता है तो वो ऊपर की ओर उठता है। ये देखिए कितना प्यारा रंग आया है। और इसमें जो साइड में खुरचन लगी रहती है उसको भी हम इसी में मिला लें, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैंने 1 कप दूध डाला है। और मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छे से, हम इसको मिला लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग दूध डाल सकते हैं, अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पर 2 कप दूध यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने मैरिनेट करके रखे थे अपने चाप वो हम इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको ढककर 5 से 6 मिनट फिर से पकाऊंगी ताकि ये जो भी चाप है इसमें ग्रेवी अच्छे से मिल जाए। देखिए कितने अच्छे चाप बन रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर मक्खन डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और उसके बाद मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी और इन सबको एक साथ मैं मिक्स कर लूंगी। और हमारे चाप बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए मैं आपको इसका बाहर ले जाकर ओरिजिनल कलर दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल लाल रंग के बने हैं, कितना अच्छा रंग आया है इनका। अब हम इनको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक डिश लेंगे, कढ़ाई ली है मैंने यहाँ छोटी सी और उसमें मैं इसको सर्व करूंगी और ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आप नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए।